आज के हमारे कस्टमर्स की डिमांड आई है जी उनको, तो हम लोगों ने एकदम परफेक्ट वाला काम धाम कर देना है। ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे पेट के ना कोकले लुस चुके हैं। बर्गर उससे पहले भिंडी बनानी शुरू कर दी है। मम्मा बेटा डे आउट है। बर्गर बर्गीर स्टार्टिंग पॉइंट ही फिट है ना। बर्गर लेके रखा है खाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एक और डेली व्लॉग से। आइए आज का दिन चालू करते हैं और देखते हैं क्या करेंगे दिन भर। क्या चल रहा है? सुबह सुबह नाश्ते की तैयारियां हो रही है। कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रेकफास्ट कॉन्फ्रेंस। ब्रेकफास्ट में क्या खाया? हाई लेवल डेलीगेशन मीटिंग हो रही है। पापा तो मूंग दाल चूल्हा खाएंगे। हाँ, और भाभी ने बोला है मीठे ओट्स खाएगी भाभी। भाभी ने बोला बनाएगी। नहीं भाभी ने बोला खाएगी, जिसको भी खाने भाभी सबके लिए ओट्स बनाएगी। और भाभी ने बोला भाभी मीठे ओट्स खाएगी। और भाभी कह रही थी कि भाई जो है वो शिमला मिर्च की सब्जी खा लेगा, काट के खा लेगा। हाँ, थोड़ा ऐसे चटपटा सा बनाएगा ताकि भाई खा ले। पनीर को हटा दो। शिमला मिर्च दो प्याजा, जैसे भिंडी दो प्याजा ना, शिमला मिर्च दो प्याजा। जस्टिस फॉर शिमला मिर्च। दो बार प्याज डलेगा। नहीं नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। ये आप ऐसा कर लो, प्याज दो शिमला मिर्च, प्याज दो शिमला मिर्च, प्याज एक ही बार, शिमला मिर्च दो बार। दो प्याजा टॉपिंग ऑफ। चलो कहता था थोड़ा सा पनीर की टॉपिंग कर, क्या नाम है वो चीज की, ऐसे हम पनीर की उसके ऊपर अच्छी सी शेविंग कर देंगे। मम्मा फिर शिमला मिर्च आलू भी पापा को खिला देंगे उसी बची हुई शिमला मिर्च से। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा शिमला। ये जो आपने वॉइस मॉड्यूलेशन करी है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक दिन सब लोग अपनी ऐसा करेंगे, एक दिन सब लोग अपनी ऐसी चीजें खाएंगे जो सबको माड़ी सी लगती है। फिर मैं क्या खाऊंगा? कटहल की सब्जी। नहीं, कटहल कटहल फिट ही है। जिमीकंद। हाँ जी, किचन सीन सभी बन रहे हैं। मूंग दाल के चीले, ये मम्मा ने बैटर अच्छे से बना के रखा हुआ है। मैंने बोला मम्मा आप आराम से बैठ जाओ, लेट मी सर्व। आज के हमारे कस्टमर्स की डिमांड आई है जी उनको एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी चीला खाना है, तो हम लोगों ने एकदम परफेक्ट वाला काम धाम कर देना है। यहाँ पे हम लोग कच्चा पक्का सेक के रखेंगे और यहाँ पे हम लोग इस पैन पे क्रिस्पी करेंगे माय ट्रस्टी फेवरेट कास्ट आयरन की, क्या बोल रहे इसको, पैन। क्या देख रहे हो, स्मेर देख रहे हो इसकी, क्रिस्पी हो गया। हल्का सा बटर इस पे लगा दें ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए। गैस एकदम हाई। कास्ट आयरन को पूरा अभी मैंने सीजन करा है, पूरा इसको यहाँ से ना एजेस से साफ करा है और नीचे से भी पूरा अच्छे से मस्त करा है उसको सफाई उसकी। कितना करा रहा, काफी है अभी और होगा, अभी उसको मैं करूँगा, आप जाइए। वैसे इसके ज्यादा बनते नहीं है, सूजी के बेसन के ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हाँ, ये मूंग दाल के चीले बना रहे हैं, थोड़ी मेहनत करो तो बना भी लो। बना रहे हैं ना हम लोग, बना रहे हैं, आप डोंट वरी। आप कैसा खाओगे? सॉफ्ट, आपको भी क्रिस्पी मिल जाएगा। ये नॉन स्टिक के लिए कभी भी यूज करें तो यूज करें प्लाटूरा सिलिकॉन वाला, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी वाला। इससे क्रिस्पी नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे मेरी वो खत्म हो जाती है। इससे क्रिस्पी खाना है तो मम्मा को बोलो, मम्मा बनाएगी। इसीलिए तो मैंने बोला था मम्मा को बनाने के लिए। मम्मा ने तो बनाया और किसने बनाया? तुम मम्मा बेटा मिलके ना सुबह सुबह वो मेरी ना फिरकी ले रहे हो तुम लोग। खाओ क्रिस्पी क्रिस्पी वाले मूंग दाल के चीले। गुडू गुडू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुडू गुडू गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सब लोग खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो, खाओ पियो और बरसातों के मजे लो। लो जी आपका भी आ गया, एक छुटको सा और बच जाएगा, बना दूं बैटर, थोड़ा सा बच जाएगा, बना देता हूँ। खा लो। ठीक है, पापा कह रहे हैं ये ठीक बना। एक ठीक बना। You can have either of the two. तो क्या होता है वो? क्या चिट और क्या होता है? चिट भी मेरी, पटरी मेरी। हाँ। दोनों हाथ में लड्डू नहीं होता। Can't have both लड्डू in both the hands. क्यों? मैं दोनों हाथ में लड्डू ले सकता हूँ, इधर भी क्यों भाई? हो गया रेडी है, चले गए ये? अपन खा तो नहीं ना रहे हैं यहाँ पे? नहीं, ये नहीं खा रहे। क्या? अच्छा अभी गए नहीं हो? तो क्या खाओगे? खाना कुछ नहीं है। कुछ तो खाओगे, समथिंग। मैंने कहा बारिश आ जाएगी, देखिए तेज खुशबू आ रही, तो वो कह रहा है कि अंडरग्राउंड पार्किंग होती है। पूरी बनाई जा रही है, आधा किलो पूरी। आधा किलो नहीं है, फिर 750 800 ग्राम का। तो इसमें से आधा किलो भाई खाएगा? भाई सारी खाएगा। अच्छा, तो मैं दो से जा रही ना, फिर नंबर का कोई इजी हो जाएगा, बना लेंगे। वाह जी प्रावा, भिंडिया बन रही है लोगों की, लोगों के सब्जियां बन रही है पसंद की। पापा के लिए क्या बनाया था उस दिन आपने? तो तूने क्या खाना है बता दे, तेरे लिए भी बनते हैं। लास्ट
याद भी है आपको कब बनाया था आपने? तो मैं अभी नहीं, डू यू रिमेम्बर व्हेन, कब था वो? सन 2003 में। आहो 2003 में थे, ऐसा कुछ नहीं। 2003 में बनाया था आपने लास्ट, मुझे याद है। थोड़ा सा नॉर्मली रहिएगा तो फिर बच जाऊंगा। अच्छा, हमने कैसे लेट कराया जरा प्लीज केयर टू एलैबोरेट। उन्होंने बोला था कि भाई लेट जाओ। हाँ, कि लेट ना जाओ, फिर लेट मामा चलेगी तो आराम से। भाभी ये कौन सी मल्टीवर्स में हुआ था ये बात? सो जाओ चश्मा लगा के थोड़ी सोते हैं। मैंने बोला जब मोटू बोले 5 मिनट तो मम्मा चश्मा लगा के थोड़ी सोते हैं। आप तो ये रील्स वाले ऐसे वो स्लिपिंग शॉट दे रहे हो। पहले बोला 5 मिनट का 15 मिनट, अब 15 मिनट और कर डांट लगा के आ गया। अब इसी बात पे मम्मा को टिक्की और भल्ला पापड़ी दोनों खिलाना। तो फिर भी नहीं, तो उसका वैन वाले का खिलाना, वैन वाले का खिलाना उसका। मम्मा बेटा डे आउट है, मम्मा बेटा डे आउट जा रहे हैं भाई। मैं अपना शाम का नाश्ता खाऊं, ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे पेट के ना कोकले लुस चुके हैं। टेस्टी टेस्टी खाना खा के आना, ठीक है? हम खाना खा रहे हैं। अरे खाना लेने जा रहे हो? राशन लेने जाता है बंदा तो कुछ तो वो होता है। और वो बड़ा वाला थैला भी ले लो। मैंगो से उठा लिया, अभी तो हमने मैंगो खरीदी है। चलो नीचे फ्लोर पे चलते हैं। भैया बाहर से कोशिश कर रहे खोल लेगा, ये हम खोल रहे नहीं खुल रही है अभी। 5 मिनट से फंसे हुए हम यहाँ पे। बताओ कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। P2P1 घुमाई जा रही है तो ग्राउंड पे आ गई ना, ग्राउंड पे खोल देती है। खुल गई? हाँ चले। हाँ तो पहले आराम से डरो मत, डरो मत, कोई बात नहीं। नहीं बे, एक नेचुरल होता है, बंदा डर ही करता। समथिंग इज हैपनिंग। क्या हुआ पापा जी? हैं? अलायंस बन रही है, अलायंस। क्या मरता? हां जी। हम क्या करेंगे? हम भी तो कुछ पार्टी करेंगे। तू क्या खाएगी? मैं मंगाऊं वो? क्या चीजी खाएगी? डोमिनोज का राउंड, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं। आलू टिक्की बर्गर खाएं? आलू टिक्की एक एक भी हो जाएगा यार। छोटा आलू टिक्की और मैकपफ नहीं, उस दिन मैंने खाया था। भाभी को क्या पसंद है? आलू टिक्की और पेरी पेरी फ्राइज खाते हैं। और पेरी पेरी फ्राइज, पेरी पेरी फ्राइज। तू भी पेरी पेरी फ्राइज खाएगी देवर की तरह? बहुत टेस्टी थे। अब पता चल गया पेरी पेरी टेस्टी होता है। बहुत को तो बोल दे, उस दिन भी बने मंगाए थे। बहुत टेस्टी थे, बहुत। तो एक पेरी पेरी फ्राइज, एक पेरी पेरी फ्राइज और क्या खाएगी? एक आलू टिक्की। दो आलू टिक्की मंगवा दो, एक पेरी पेरी फ्राइज, दो आलू। ये तो खाएगा नहीं, इसका तो वो चल रहा है, चल रहा है। तू सब नहीं टेस्ट करेगा? अभी तो आएगा, भी तो एक घंटे में लगेगा उसको आने में। ठीक है, मैं कर रहा हूँ ऑर्डर, अभी कर रहा हूँ। मेरा तो शाम का नाश्ता चल रहा है दोस्तों, माहौल मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है। मैं अपना शाम का शूट ही कर रहा था और इन लोगों को भी कुछ खाना खाने का मन था। तरी लेगा तेरे, वो है ना पिज़्ज़ा एंड हमस। अभी वो पिज़्ज़ा एंड हमस जो है ना, सुनने में ही अच्छा लगता है, जो है ना माड़ा सा। सुनने में ही सही, तो सुनने में पार्टी कर ले। जैसे कहते हैं वो मुंह गीला भी नहीं होगा उतने में तो। पर ठीक है चलो, मैं डिनर जल्दी कर लेता हूँ ना, डिनर जल्दी कर दूंगा। आपको ऐसा जुर्म करना चाहिए कि कोई सबूत ना रहे। अगर आप पूरा महाराजा मैं खा लोगे तो आप सरेंडर करने की नौबत में आ जाओगे, इसलिए। हाँ नंबर था, ये सही है। एक वो मैं कालू टिक्की और एक महाराजा, आधा आधा हम दोनों खाएंगे। हाँ। तो डिनर करने की क्षमता बचे रहेगी। हाँ। तो डिनर में सबूत सारे मिटा दूंगा। अगर हमने डिनर के लिए मना कर दिया तो मम्मा बोलेगी डिनर क्यों नहीं कर रहे हो। रॉबर्ट सबूत सारे मिट जाने चाहिए। रॉबर्ट माल आ जाना चाहिए बंदरगाह पे। माल तो आ जाएगा, उसको गायब करने का वो दिक्कत है। दोस्तों मेरा खाना तो क्या मजाक ही सा था। इवनिंग स्नैक्स, पूरी प्रॉपर वीडियो बन रही है, आपको बड़ा मजा आएगा। जो भी हो आपको हंसी जरूर आएगी देख के वो वीडियो। दैट इज आर इंटेंट ऑलवेज इन सैटरडे फन वीडियोस। वो वजी वजी वे अगले हफ्ते डलेगी। आलू टिक्की अभी तक भाभी का आया नहीं है बर्गर, उससे पहले भिंडी बनानी शुरू कर दी है। आप और मैं साथ में मिलकर देखेंगे क्या फ्राइज आए हैं कि नहीं आए हैं, और अगर नहीं आए होंगे तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। फ्राइज हाँ आए, बच गया। एक्चुअली क्या था ना, मैकडोनल्ड्स ने अब ये मील्स को
वैल्यू मील्स बोलना शुरू कर दिया। तो पहले तो ऑप्शन होता था कि एक ही मील को आप मीडियम लार्ज करवा देते थे, अब पता नहीं क्या एक्स्ट्रा लार्ज मील समथिंग समथिंग आना शुरू हो गया है, तो वो सब चीज़ें हो गई हैं। तो भाई इनके ये शेक शेक बैग मंगवाया है इन लोगों ने, और ये महाराजा मैक बर्गर मंगवाया है, और मैक आलू टिक्की मंगवाई है, और एकदम ये फ्राइज इनको हम लोग अल्ट्रा क्रिस्पी कर देंगे। फ्राइज को कभी भी क्रिस्पी करने के लिए एयर फ्रायर में आए तो 3 से 4 मिनट 200 डिग्री पे चला देता हूँ। और फिर ये रहा पेरी पेरी पाउडर जिसके 22 रुपये आजकल मैकडोनल्ड्स ले रहा है, और ये रही वैल्यू मील में कोका कोला। भाई कितना मार्जिन होता है यार इन लोगों के पास मैकडोनल्ड्स वगैरह के पास। मैंने ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डाली, मतलब एक बर्गर, एक बड़ा बर्गर, एक आलू टिक्की और स्मॉल फ्राइज विद पेरी पेरी फ्राइज। मेरा कुछ 370 रुपये आ रहा था डिस्काउंट लगा के, और फिर मैंने ये मील ऐड करी तो मेरा 320 रुपये कुछ हो गया, 50 रुपये सीधा ऐसी। वाह अच्छा 50 रुपये का डिस्काउंट भी हो गया मील के साथ में, और ये भी कोल्ड ड्रिंक भी मिल गई। मार्जिन सोचो बंदे के पास कितना होता होगा कि बंदा इतना ऑफर कर सकता है। कोक हो गए, फैंटा हो गए, इन सब के ना सिरप सिरप होते हैं इन लोगों के पास लगे हुए, पंप करना होता है बस इनको, और फिर बाद में सोडा वाटर डालना है। 1 रुपए की चीज़ को 100 रुपए का अगर आप बेचो तो आपके पास मार्जिन तो अंधा ही है ना। शेक शेक बैग में भाभी पहले वो तो खोलो पेरी पेरी फ्राइज। पहले शेक शेक बैग तो खोल दो। शेक शेक बैग में डालेंगे पेरी पेरी फ्राइज। मैंने ना एक ना ऐसे फनी सी वीडियो सी बनाई थी हाउ टू मेक, वो अभी भेजी भाजी के मोस्ट व्यूड वीडियो है, उस पर कितने 3.5 करोड़ व्यूज है। हाँ 3.5 करोड़ शॉट। हाँ शॉट 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 इसमें शॉट शॉट में वो वीडियो मत वो बर्गर में शॉट कर देना। काट लिए आधा आधा खाएंगे। बच्चों काट लिए पापा। शेक शेक करोगे? शेक शेक नहीं पापी, शेक 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 शेक। यस 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 है वैसे ठीक है मेरे हिसाब से। आप देख लो आप लोगों ने खाने नहीं भाभी, पेरी पेरी पाउडर भी नहीं खाना। नहीं भाभी पेरी पेरी पाउडर भी नहीं। चलो जी बर्गर बर्गीर भाभी एक बार बस वो हो जाए ना, टारगेट कंप्लीट हो जाए फिर मैं खा सकता हूँ, मतलब फिर पोर्शन कंट्रोल में खा सकता हूँ। अभी तो थोड़ा रुक के नहीं नहीं दिस इज तो फाइन, वंस अ वीक तो आई कैन डेफिनेटली हैव दिस चीट मील, इतनी भी कोई वो नहीं होती है आप अगर पूरे हफ्ते डिसिप्लिन से खाओ तो। हाँ थोड़ा सा वो इसका ये भाई यहाँ बैठ के सामने एकदम पूरा वो दुनिया को देखो ऐसे मैं फेवरेट भी हुआ नहीं मेरे तो यहाँ बैठ के ना ऐसे लगता है कि किसी में रिजॉर्ट में बैठ के किसी सी साइड एरिया में बैठ के खाना खाता सामने बैठ के ग्रीनरी और वो मस्त व्यू देखो और यहाँ बैठे खाओ। घर में ही ऐसे फील आ जाएगी जैसे यू आर सिटिंग इन सम बालकनी ऑफ ए सम स्वीट इन ए कोस्टल एरिया होटल। देखना मुश्किल हो रहा है मेरे को ये सब मुश्किल तो इसके ऊपर तो बेचारे के ऊपर जुल्म हो रहा है बेचारा। मैं अपना खाना खाता हूँ, डिनर खाता हूँ, डिनर खाता हूँ मैं। चलो डिनर खाता हूँ, लेट मी ईट माय डिनर। बड़ी मुश्किल से मैंने बीच में से एक हफ्ता निकाला ताकि कोई इधर का खाना नहीं कोई उधर का खाना नहीं, सिर्फ शूट का खाना। सो बी इट। अभी ये इसको फटाफट अपना डिनर करता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे आज 8 से 9 कल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 से 11 भाभी भी हमारे साथ चलेगी बैडमिंटन खेलने, तो इसलिए मैं फटाफट जाके अपना कल्ट जाके वापस पे आ जाऊँ। आज मेरा सेकंड डे ट्रायल का है कल्ट का। ये क्या है पापा? क्या फायदा हुआ सारे सबूत मिटाने का? तो फिर ऐसे अपने कैंडिडेट को पक्का करो भाई, हम झूठ नहीं बोल सकते सासू माँ से। ये बात इस बार के लिए तो शौक ही होगा। वैसे मैं बताऊँ मैंने भी मम्मा का फोन आया था, मैंने बोल दिया मैं कहा ना हमने ना मैंने तेरे मैं कहा बच्चों को मैंने ट्रीट दे दिया कि वो इसको हाँ। मामा कह रही वेरी गुड, मैं कहा हम दोनों ने बाप बेटी मिल के आधा आधा बर्गर खा लिया। कैसे हैं ये लोग, कैसे हैं ये लोग, एक सरप्राइज नहीं रख सकते? सरप्राइज क्या करे, वो भी मैं भी मम्मा से कुछ छुपा नहीं सकता। वो तो अभी अपना सेकंड ट्रायल लेके आया हूँ, सही है। उसके बाद अभी थोड़ी देर टाइम है, आधा घंटा है, उसके बाद मैं और भाभी जाएंगे खेलने। नरानी जेठानी अच्छी तरह खेलना। हाँ जी ले आए सर सामान सब ले आए। कैसा लगा फिर आज आपको घूम के? लग गया थक तो जाते ही हैं, पियेंगे थोड़ा सा जूस जो हमने वहाँ से लिया था अभी हमने वो पियेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाने पीने। अब तो कुछ खाना पीना बनता है। वही मैं देख रही हूँ फॉर ए चेंज, तो टिक्की खा कैसे रहा है पर इसकी बहुत टेस्टी होती है।
मेरे को तो टिक्की कहीं भी खिला दो मैं तो खा लेती हूँ। गरम है ना, क्रिस्पी भी बनाता है, टेस्टी भी बनाता है। अब ये क्या आ गया मम्मा आपका? अब हमने पाव भाजी खा रहे हैं। अब पाव भाजी भी आ गई? अब पाव भाजी खाएंगे हम, हाफ हाफ खाएंगे, और जो हम खा रहे हैं वही हम घर में फैमिली के लिए ले भी जाए। देखो अच्छे पीछे एक पैक पड़ा और वहाँ पे भी पैक होगा, पापा के लिए और नम्रता के लिए। पहले हमने उन दोनों के लिए पैक करा लिया, अब इन दोनों के लिए हम लेके भी जा रहे हैं। पिक्कू क्या गया? पिक्कू भी खा लेगा? नहीं पिक्कू नहीं खाएगा ना, पिक्कू स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है। हां उसकी डाइट चल रही है। पर ये पाव भाजी का अपना मजा है, पाव भाजी का है ना। रैली, यस रैली 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 रैली, वेरी गुड। थर्ड एम्पायर फुटेज रिव्यू करेगा, डबल नहीं था। यस ब्लॉक पुलिस, ब्लॉक पुलिस, ब्लॉक पुलिस गई है अपनी भाभी पाजी के साथ। इतनी लेट आप दोनों पापा बेटी के लिए ये दोनों चीजें आई हैं? शाबाश भाई, वो वेट कर रहे थे तो फिर तुम लोग लेट हो गए ना, फोन आया। मैं कहा मम्मा आ रही 10-15 मिनट में, वो बैडमिंटन खेलने गए हैं। उनका वो बैडमिंटन का स्लॉट था, मैं कहा तुम जाओ, मैं कहा तुम्हारा तो स्लॉट का टाइम है 10 से 11 ना। तो भाई अब कॉफी पीने चलेंगे, कॉफी पीने। आप टिक्की खाने जाओगे? आपकी टिक्की रखी हुई है घर में। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है निक्कू के पॉइंट्स कैसे आते हैं? वो टिक्की खा के आता है। हाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही फिट है ना, बर्गर लेके रखा है खाने के लिए। तू भी जैसे खा रही ना, मन नहीं है ना ज्यादा खाने का। मैंने भी ऐसे ही खाई है क्योंकि गायन बोल रहा था, फिर कोई पापा बोल रहे ना खाने के लिए। बड़ों की बात माननी चाहिए ना, और कभी कभी बेटों की भी बात माननी चाहिए ना। इसने मुझे बोला कि मेरा मन हो रहा है तो मैंने खा लिया। हाँ हम दोनों तो वैसे भी कभी भी नहीं खाते, जब हम बाहर जाते तब भी कहाँ खाते हैं। पाव भाजी तो टिक्की नहीं खाई इसने भाई, पाव भाजी भी लाए हैं, टिक्की भी लाए हैं, तो ये कह रही है कि अब टिक्की के आगे मैं पाव भाजी खाऊंगी। हाँ तो तभी तो कह रही थी पाव भाजी की टिक्की रहने दो, तो देख ले वो ढूंढ के पाव भाजी लेके आई। खुश है, चल खा। पापा ना मैंने टिक्की खा, तू खा पाव भाजी, मैंने टिक्की खा ली, मेरा पेट भर गया। वन 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 ना बच्चे, ना ना आंटी के साथ वाली खा ली। और सबसे बड़ी बात है ज्यादा स्पाइसी नहीं है, मतलब नहीं, लेकिन मेरे और गायन टाइप्स है, आप लोगों टाइप्स नहीं, मिर्ची नहीं है, बट ठीक है। आंटी भी खुली हुई थी, आंटी भी खुली हुई थी। आप बता दो दिया ये मम्मा को क्या छुपाना है। आधा आधा हमने खाया बर्गर, आप दोनों ने बर्गर खाया, पेट भरा हुआ है। बर्गर खाया दोनों ने है, उसका मतलब गायब, हमने तो कुछ खाया ही नहीं बाहर है, कुछ नहीं खा हमने तो। हमने तो हाफ हाफ ये खाया और टिक्की का ये। मैं कभी उसकी तो पार्टी कर देना बेचारी, ऐसे बोर होगी। पापा जी ने आप लोगों को हमने हम आज 6 लोग खेल रहे थे। हाँ एक साथ नहीं, आ जाओ कभी रोहिणी, अच्छी जगह है रोहिणी खेलने के लिए। प्रो लोग लेके आओ, कामाक्षी ने करण को हरा दिया आज। तू इतना थका, वो बैडमिंटन से क्या लाया? चिज्जियां हमारे लिए, सुंदर सुंदर वाली चिज्जियां आई है हमारे लिए। बोलो जी बोलो, क्या क्या चिज्जियां लाए सबको? पहले पापा को दो, पापा की चिज्जी। अच्छा जी, ये मेरी चिज्जी है, जबरदस्ती मैंने बंद कर दिया, अब खाता था पहले। अब नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, कह रहे ये नहीं है, क्या है? ये हम खाते होते थे किसी जमाने, दोनों के मिल्की है। अच्छा जी ये भी, अच्छा जी मेगा पैक, वाह वाह। अच्छा जी ये गायन ने मेरे को लेके लिए यार्ड ले। अच्छा अच्छा, इसी रीजन से लेके आया। नाइस नाइस, चलो इसी रीजन से लेके दी थी। रीजन में बता देता था ना, मम्मा के पापा लाते होते थे ना, मेरे पापा फॉरेन से लाते होते थे, फॉरेन से लाते थे, इंडिया में मिलते नहीं थे, अब तो सब मिलता है। इंपीरियल लेदर सबके लिए चीज लाई है, सबके सबके लिए आई है। भाभी के लिए लाया, क्या लाया? मखाने, मखाने देवर जेठानी जेठानी दोनों को मखाने अच्छे लगते हैं। ये nice. और ये पिक्कू के लिए ये मुरमुरे, डाइट वाले मुरमुरे। अच्छा ओ नाइस, थैंक यू। ये हमारे थैंक यू सदाबहार। और ये गायन के लिए जूस, ओके नाइस, सबके लिए चीज नाइस नाइस।
गुआवा चिली। अच्छा जी, अच्छा आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय। Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back.